तुम ये तो मुझे कह रहे हो कि सर स्कूल जाते हैं, क्या तुम 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो? क्या कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो तुम बर्बाद कर रहे हो लिटरली? तो इस चीज को आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं स्कूल और कैसे मैनेज करूं, सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तुम्हें सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर तुम ये करना बंद करो। इस तरह से बेटा तुम्हें करना है और एक टाइम टेबल बनाना है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। आज का टास्क दे रहा हूं तुम्हें, आज रात को तुम्हें 15 मिनट बैठ के ये काम करना है कि भाई मैं सबसे पहले तुम ये देखोगे कि मैं हफ्ते के लगभग कितने करता हूं। क्या हाल चाल है, कैसे हो बेटा तुम लोग सब? आई होप मजे में हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ और पढ़ाई भी साथ साथ। सर क्या इंजॉय कर रहे हैं, प्रेशर इतना है, इतनी सारी तो पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो बेटा देखो, सिंपल सी अगर एक बात बताऊं तो सोचना नहीं है अपने को ज्यादा सोचना नहीं है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना उनका कुछ नहीं होना, ठीक है? अपना टाइम सोचने में बर्बाद मत करो, अपने बस एफर्ट करते जाओ यार, एफर्ट करते जाओ। जो चीजें आपको बोली जा रही हैं, मैं बार बार देखो हर हफ्ता जब शुरू होता है हर मंडे को, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि जो चीजें बेटा टीचर्स बोल रहे हैं, जिसकी बात आपको समझ आती है, जिसका लगता है कि हाँ यार ये मेरे बारे में मेरे फायदे की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हाँ यार ठीक तो कह रहे हैं सर, बात तो सही है, ऐसे नहीं। वो बात सही को इंप्लीमेंट करते जाओ। जो वो बात बोली जा रही है उसको कोशिश करो कि 90% तक आप इंप्लीमेंट कर पाओ। सर 100% क्यों नहीं, 100% कर लो तो बेस्ट है, बट 100% कई बार हो नहीं पाता ना यार, 90% भी हो जाए तो रियलिस्टिकली सोचें तो काफी होता है, राइट? तो अपने को अगर हम ये सोचें और फालतू एक्स्ट्रा ना सोचें, बस जो बोला जा रहा है वो करते जाएं, हफ्ते दर हफ्ते में करते जाएं, आप देखेंगे 8-10 हफ्ते में काफी आपका इंप्रूवमेंट बेटा हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से ही जेई की तैयारी होती है। अगर आप ये सोचें साल भर, अरे सर लास्ट में इतना सिलेबस आना है, अरे सर उस दिन इतना कुछ आना है, मेरा तो 12th भी नहीं हुआ अभी आधा, मेरा तो 11th भी बिल्कुल बचा हुआ है, फिजिक्स में मेरा बुरा हाल है, मैथ्स में मेरा बुरा हाल, ऐसे अगर सोचोगे तो भैया डर ही लगना है, तो और कुछ नहीं होना बट डर लगना है, ठीक है? ऐसे नहीं होता। अपने को इस तरह से डरना नहीं है बेटा, अपन लोग चैंपियन लोग हैं, हमें अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देना है। कोशिश अगर तुम करोगे ना तो मैं ये यकीन करता हूं कि भाई कोई भी बच्चा हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तुम अगर ठान लोगे ना यार तो डेफिनेटली कर पाओगे, बस तुम करना शुरू कर दो, सोचना बंद करो। आज से जो बच्चे जिनको ये लगता है कि अरे सर शायद नहीं होगा, अपने ऊपर डाउट करते हैं, सोचना बंद करो यार, मेरे कहने से सोचना बंद करो और करना शुरू करो। तुम्हें लगता है कि यार मैं बहुत पीछे हूं, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम इन सब बारे में सोचना बंद करो, सिर्फ एक चैप्टर पकड़ो। करना कैसे है वो भी बता रहा हूं, तुम्हें सोचना बंद करना है। करना क्या है, कोई भी एक चैप्टर लेके शुरू कर देना है। मान लो तुम्हारी मैथ्स वीक है, तुमने 11th में कुछ नहीं किया, 12th में कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं अभी तक, अब तुम्हें लगता है कि हाँ यार मुझे करना तो है बट कैसे शुरू करूं, एक चैप्टर उठाओ कोई सा भी, भूल जाओ सारी मैथ, सारी दुनिया, सब कुछ भूल जाओ और कोशिश करो कि उस चैप्टर को कैसे मैं खत्म करूं, उसके सारे वीडियोस देखूं, उसकी सारी टीपीपीज लगाऊं। इतना भी तुमने अगर कर लिया तो तुम्हें बेटा उस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं या जिनकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही। चलो एक पोल ही हो जाए, कितने लोगों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन जो चल रही है वो ए ऑप्शन है भाई वेरी गुड, बी ऑप्शन है कि भाई गुड सही चल रही है सर अच्छी है, सी है बैड बहुत बेकार चल रही है सर, और डी है वेरी बैड कि सर बहुत ही बेकार चल रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो रखा हमारा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा पोल से समझेंगे कि भाई क्या स्टेटस है, आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है? हाँ, और जब को अगर आपको अभी स्टार्ट अभी किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर आपका, तो भाई मत करना, जबरदस्ती नहीं है कि हाँ टिक करना ही है, फ्री का आंसर देने को मिल रहा है तो देंगे ही, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना। हाँ चलिए जल्दी पोल पर बताएंगे, पोल पर आंसर देंगे सो दैट मेरे पास डेटा आए कि कितने बच्चे क्या किस स्टेटस पे है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो आप गुड कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा नहीं है बट हाँ बेसिक समझ आ रहा है, टीपीपी थोड़ी बहुत कर पा रहा हूं, उस तो आप गुड कैटेगरी में आएंगे, राइट? हाँ, क्योंकि कई बार ये होता है यार, गुड और बैड भी तो सब्जेक्टिव वर्ड है, पता नहीं जो तुम्हारे लिए गुड है वो मेरे लिए बैड है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो गुड मींस कि यार लेक्चर थोड़े बहुत ठीक ठाक समझ आ जाते हैं और डीपीपी के थोड़े बहुत क्वेश्चन तो मुझसे लग ही जाते हैं, ठीक है? हाँ चलिए, तो देखा जाए मेरे हिसाब से तुम्हारा जो आंसर होगा बेटा, अगर तुम पहले बैड या वेरी बैड में थे तो गुड में तो आ ही गए होगे, मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों का बी होगा। हाँ देखो मैं सही रहा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन बी एंड सी कैटेगरी, जो कि मुझे लग ही रहा था,
जो कि बेटा मुझे लग ही रहा था 8% बच्चे हमारे साथ ऐसे भी हैं जो वेरी गुड में है बेटा, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होता, जैसा कि मैंने बोला सोचना है ही नहीं, ज्ञान लेना ही नहीं। अगर वेरी गुड चल रहा है चलने दो, गाड़ी वैसी चलने दो, ठीक है ना। हाँ गाड़ी वैसे ही चलने दो। हाँ अब गुड और बैड वालों की मैं बात करूं बेटा, गुड वाले कैसे वेरी गुड में आएंगे, गुड वाले वेरी गुड में कैसे आएंगे। देखो गुड वाले वही बच्चे हैं जो मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं बट उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। इन दोनों में वही बच्चे हैं इनफैक्ट, हो सकता है बैड में भी कुछ लोगों को लग रहा है यार मैं क्लास अटेंड कर लेता हूं क्वेश्चन तो मुझसे होते ही नहीं। तो आप जो दो लोग हैं मेनली जो बीएनसी कैटेगरी वाले हैं बेटा, जो मोस्ट ऑफ द क्लास है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के बढ़ाने हैं, प्रैक्टिस के। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो रहे हैं ये नहीं बोल रहा कि वो बढ़ाने हैं, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर आज तुम 20 सवाल प्रैक्टिस करते हो पर डे, एवरेज की बात कर रहा हूं, उसको 30 कर दो, कितने हो रहे हैं मुझे मतलब ही नहीं है, 20 में से हो सकता है 5 हो रहे हो तुमसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके जब प्रैक्टिस के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओगे पर डे 20 है तो पर डे 30 करने हैं, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। कोशिश करो कि पर डे 30 यानी कि 6 दिन आप पर डे 30 क्वेश्चन कर लो, और एक दिन मान लो कि यार चलो नहीं पढ़ रहे हम मैथ्स, हफ्ते में 6 दिन मान के चलते हैं हम, तो 180 सवाल हफ्ते के हमें करने हैं। तो आज से जो भी बेटा गुड और बैड वाले फेज में है, आप बस मेरे कहने से मैथ्स में एक चीज करोगे, लेक्चर अटेंड करने के अलावा अपना हिसाब रखो कि क्या इन 180 में से आपने कितने सवाल करे हैं, 180 में से कितने सवाल आप हफ्ते में प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत आसान है हिसाब रखना, कैसे, डीपीपी के अंदर आ जाते हैं सवाल, ठीक है। मोस्टली मैं तुम्हें 4 लेक्चर्स होते हैं हफ्ते में, 4 डीपीपी देता हूं, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पर डीपीपी में होते हैं, तो 50 सवाल तो वो हो गए, ठीक है। 50 और करो कहीं से, 50 और मॉड्यूल में से करो, तो अब तुम अगर 180, तो देखो अगर मैं सही बताऊं तो बहुत बढ़िया लेवल पर है। अगर तुम अभी 30 नहीं कर सकते, 20 कर लो, चलो 20 × 6 क्या 120 सवाल हो रहे हैं हफ्ते के। तो पहले तो आप ये सोचिए कि आप हफ्ते के कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर 20 भी नहीं हो रहे अभी, आपको लगता है यार 120 भी मुश्किल है, अभी तो मैं 30-40 ही कर रहा हूं, तो आप उसको 15 से शुरू करो, 15 × 6 करो, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, 15 × 6 = 90 तक पहुंचाओ। मान लो आप हफ्ते के 50 ही कर रहे हो तो 90 तक पहुंचाओ। जो लोग 90 कर रहे हैं वो भाई 20 × 6 करें सीधे, है भाई 5 का टेबल बनाते जाओ और 6 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। जो यहां पे 10 × 6 = 60 पर हैं, या कुछ 5 × 6 होंगे 30 पर ही, तो उनको बेटा 60 करने हैं हफ्ते के। जो 60 पे हैं उनको 90 करने हैं, और जो 90 पे हैं उनको समझ गए तुम 20 × 6 = 120 करने हैं। ऐसे तुम्हें बेटा अपने एवरेज हफ्ते के क्वेश्चंस रखने हैं मैथ्स में। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें भूल जाइए सारी चीजें कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, बहुत खराब है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी कैलकुलेशन को समझना है, समझ गए। हाँ सर स्कूल के साथ नहीं हो पाता, मैं बिल्कुल मानता हूं स्कूल के साथ नहीं हो पाता, तो अब उसके लिए ही बेटा है टाइम टेबल, अपने को टाइम टेबल बनाना है। हमें एक एक मिनट यूज करना है अपने दिन का, बस इसका यह मतलब नहीं है कि एक एक मिनट पढ़ना है, जो भी मिनट मिल रहा है उसमें पढ़ना है, नहीं। प्रॉपर टाइम के साथ सारी चीजें करिए ताकि डिस्ट्रैक्शन और टाइम वेस्टेज हमारा कम से कम हो। अब तुम जो लोग बोल रहे हो ना यार स्कूल जाते हैं सर कैसे मैनेज करें, तुम अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ यार, पूछो अपने दिल पे हाथ रख के, क्या तुम टाइम वेस्ट नहीं करते दिन भर में। तुम ये तो मुझे कह रहे हो कि सर स्कूल जाते हैं, क्या तुम 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो, क्या कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो तुम बर्बाद कर रहे हो लिटरली फालतू की चीजें देख के, रील्स देख कर, या किसी के बारे में सोच के, या फिर इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे दिन में। हाँ जल्दी बताओ क्या टाइम टेबल कर रहे हो, कि टाइम वेस्ट कर रहे हो या नहीं। हाँ टाइम टेबल भी बताऊंगा। तो मैं चलो ये भी एक पोल कर लेते हैं, आर यू वेस्टिंग एनी टाइम, क्या अपना आप समय बर्बाद करते हैं या नहीं। सर हम तो बर्बाद नहीं, मतलब सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छी मतलब जो दिनचर्या की चीजें हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, मेडिटेशन जो भी है आप करते हो, उसमें बर्बादी नहीं है, बर्बादी है जब तुम समझदार हो यार, बर्बाद टाइम किसको कहते हैं, राइट। तो जल्दी से बताएंगे, आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यस मतलब थम्स अप, नो मतलब हफ्ते में अगर आपको लगता है कि हाँ हम कभी कभी सर टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो थम्स अप मतलब यस सर हम कर रहे हैं, नो मतलब थम्स डाउन मतलब नहीं कर रहे। जल्दी से बताओ, क्योंकि काफी लोगों का मैं देख रहा हूं चैट पे लिख रहे हैं सर स्कूल के साथ मैनेज कैसे करें, तो आंसर यहां है, आंसर वो नहीं है, तुम क्या है जो चीज चेंज नहीं की जा सकती उसके पीछे पड़े होते हो कि सर स्कूल जाना है, अब बताओ सर प्रॉब्लम है ये, तो तुम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, तुम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि हाँ स्कूल और कोचिंग दो चीजें मैनेज करनी, तो तुम अब बार बार वही सोचे जा रहे हो कि सर स्कूल और कोचिंग मैनेज कैसे करें, अब तुम उसमें शरण ले चुके हो कि अरे कंफर्टेबल हो चुके, अरे यार स्कूल और कोचिंग मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए मैं कम करता हूं, इसीलिए मैं ये वाले 30 × 6 180 तक नहीं पहुंच सकता मैं।
इसलिए नहीं पहुंच सकता यहां तक, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है, बट अभी देखना प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां आएगा, यहां आएगा बेटा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। देखो 80% बच्चे कह रहे हैं कि हां सर हम टाइम वेस्ट करते हैं, हां सर हम टाइम वेस्ट करते हैं। अब सोचो तो इस चीज को आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। आपको यह नहीं सोचना है कि मैं स्कूल और कैसे मैनेज करूं, सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तुम्हें सब चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा अगर तुम ये करना बंद कर दोगे, समझे? हां ठीक है, तो ये चीज पे वर्क करो, तुम सोल्यूशन पे वर्क करो। तुम मुझे प्रॉब्लम बताते हो, तुम लोग मुझे पता है क्या प्रॉब्लम बताते हो, सर टाइम टेबल बता दो, सर आप स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करें ये बता दो, सर डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटाएं, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस बिल्कुल 80% बच्चे कर रहे हैं, तो आज इसे कसम खाओ इस हफ्ते, ऐसे मत सोचो कि मैं पूरे साल अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जोश में आ गया अब तो सर ने मुझे मोटिवेट कर दिया, इस हफ्ते मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस कौन कौन बेटा मुझसे ये प्रॉमिस करने को रेडी है कि इस हफ्ते सर, अगले हफ्ते की अगले हफ्ते देखेंगे, इस हफ्ते हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जो भी टाइम, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार सिर्फ पढ़ते रहो बाकी पढ़ने के अलावा सब टाइम वेस्ट है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जो तुमने अपने लिए सोचा है, हो सकता है तुमने रील्स देखने के लिए भी दिन में आधा घंटा निकाला हो, तो वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे पढ़ने के अलावा, नहीं तुम अपने जो करते हो दिनचर्या में उस हर चीज को टाइम दो ताकि एक बैलेंस्ड दिन निकले, सस्टेनेबल रहे तुम्हारी पढ़ाई, राइट? और पर उसको स्टिक करना है, ये नहीं कि तुमने आधे घंटे का तो टाइम रखा था कि भाई चलो खाने डिनर से पहले आधे घंटे हम थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे और सर उसके बाद वो एक घंटा कब हो गया हमें पता ही नहीं लगा, दो घंटे कब हो गए, फिर कोई मेहमान आ गए हम उनके साथ बैठ गए, ये नहीं। अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है? मैं चाहूं तो तुम्हें मैं भी एक टाइम टेबल दे दूं, ठीक है, बट पहले तुम अपने टाइम टेबल पे वर्क करोगे, फिर मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि टाइम टेबल मैं मेरे हिसाब से तुम्हारा क्या होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ऐसे करेंगे तो, क्योंकि तुम छोटे बच्चे नहीं हो यार कि मैं तुम्हें स्पून फीड कर दूं यार ये टाइम टेबल है जाओ जाके फॉलो कर लो, नहीं तुम बहुत बड़े हो गए हो और तुम अपना टाइम टेबल वही फॉलो करोगे जब तुम खुद बनाओगे। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस सर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो आज सभी बच्चे अपने टाइम टेबल पे वर्क करेंगे, कैसे? अभी चलो 180 बहुत ज्यादा है अगर तुम्हारे लिए तो तुम वही मैंने तुम्हें बताया अभी तुम कितने करते हो 15, 6, 90 पे पहुंचने की कोशिश करो हफ्ते में कि 90 क्वेश्चन मुझे मैथ्स के करने, 15 पर दिन बहुत ज्यादा थोड़ी है यार, एक दिन में 15 सवाल एवरेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सर कहां से करें, कौन से करें, पुराने चैप्टर्स के कर लो, ये थोड़ी है कि अगर डिटर्मिनेंट में डीपीबी एक ही है मॉड्यूल थोड़ा सा ही है तो सर हमारे पास तो करने को नहीं है। अरे करने को बहुत है यार, पुराना 11th का कुछ उठा लो, कुछ भी एनसीईआरटी के लेके बैठ जाओ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम्हें टफ से टफ सवाल करने, कुछ भी करो बट 90 सवाल पर वीक की एवरेज लाओ, जो 90 पे बैठे हैं वो 120 पहुंचाएं, ऐसे ऐसे। हाँ समझे, इस तरह से बेटा तुम्हें करना है और एक टाइम टेबल बनाना है इस चीज को अचीव करने के लिए। आज का टास्क दे रहा हूं तुम्हें, आज रात को तुम्हें 15 मिनट बैठ के ये काम करना है कि भाई मैं सबसे पहले तुम ये देखोगे कि मैं हफ्ते के लगभग कितने करता हूं ऑन एन एवरेज, तुम्हें पता है यार, देखो तुम्हें पता है उसको कैसे मैं 20 सवाल 6 30 क्वेश्चन से कैसे बढ़ाऊं, ठीक है? अब उसके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बस ये तीन चीजें तुमने करनी है 15 मिनट में बैठ के। कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट? कल हम डिस्कस करेंगे। हाँ स्कूल के भी सब कुछ इसके अंदर सारी मैथ्स आ जाएगी, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जेई लेवल की तुम करो, तुम आज पहले 90 क्वेश्चन तो करने शुरू करो, फिर 90 से दो महीने एक महीने बाद हम 120 पहुंचेंगे, फिर 120 से 150 तब बढ़ेंगे जेई लेवल के। तुम अभी 90 सवाल जो मर्जी कर लो, एनसीईआरटी हो, डीपीपी हो, मॉड्यूल हो, पीवाईक्यू जो है सब मिला के बोल रहा हूं, सब मिला के मैथ्स में तुम्हें 90 सवाल तो करने ही करने हैं हर हफ्ते। हाँ और जो 90 कर रहा है वो खुश ना हो कि अरे मैं तो पहले से करता हूं, अरे सर ने जो बोला वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, तुम्हें बेटा 120 करने हैं फिर, समझे? हाँ तुम्हें इंप्रूव करना है, बैठे नहीं रहने जाना है, बैठे नहीं रहने जाना है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा। मैंने आप लोगों को टास्क दे दिया है, प्रॉमिस तुम लोगों ने कर दिया है मुझे कि इस हफ्ते टाइम वेस्ट नहीं करोगे और इस हफ्ते अब तुम टाइम टेबल बनाओगे, आज रात को बैठ के इन तीन चीजों का आंसर करोगे। नंबर वन, तुम हफ्ते में कितने प्रॉब्लम करते हो, नंबर टू, तुम्हारा टारगेट क्या है इस हफ्ते में कितने प्रॉब्लम करोगे मैथ्स में, और नंबर थ्री, उसको अचीव करने के लिए टारगेट क्या, टाइम टेबल क्या बनना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? चलिए चलिए तो अब इसके साथ ही बेटा कल मिलेंगे इस बारे में और आगे डिस्कशन करने के लिए। हम कल इसके बारे में आपसे पूछूंगा, मैं देख लो भाई करके रखना। हाँ तो स्टार्ट करेंगे बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर नंबर 7। सबसे पहले तो रिकैप, हमने मैट्रिक्स पे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था, राइट? चलो आ जाओ बेटा अब तुम लोग वापस से अपनी तैयारी की तरफ, मैट्रिसेस का लेक्चर 7 करेंगे और फुल जोश के साथ।
हाँ सर, टाइम टेबल आप भी दोगे मैं भी दूंगा, बट पहले तुम बनाओ अपना, पहले तुम अपने हिसाब से तुम्हारा क्या है बनता है और ये बताओ मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं पहले देखना चाहता हूं तुम कैसे बनाते हो, क्या करते हो, क्योंकि मेरा बस वन साइडेड मैं थोप दूं कुछ तुम्हारे ऊपर, तुम उसे करो ना करो क्या फायदा होगा? तो मैं तुम्हें वो सोल्यूशन दूंगा जो तुमने अपने लिए बनाया, उससे थोड़ा सा बेटर कैसे उसे करना है, दैट इज द राइट वे। क्योंकि हर एक के लिए एक फॉर्मूला नहीं फिट हो जाता कि सारे बच्चे एक जैसे सब ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, नहीं, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग है, हर एक की स्पीड अलग है, हर एक को डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत चीजें हैं बेटा, ठीक है? कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? जी कर सकते हैं सर। नया चैप्टर कब शुरू होगा? कल हो जाएगा बेटा, कल हो जाएगा। हाँ तो जो भी बच्चा बार बार एक ही सवाल कई बार पूछते हैं कि भाई सर हमने पिछला लेक्चर नहीं किया क्या हम ये कर लें, आंसर हमेशा नो होगा एज लॉन्ग एज हम नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहे, ठीक है? आप कहीं भी लेक्चर नंबर 7 देखें, 6 देखें, 5, 4, 3, 2 देखें, तो आपने अगर पिछला नहीं किया है तो आप अगला वाला नहीं कर सकते। मैथ्स में बेटा कहानी सारी कंटिन्यूएशन में होती है, आप बीच में कूद नहीं सकते ट्रेन के अंदर, समझे? हाँ सर आप पनिशमेंट दो, नहीं पनिशमेंट से तो बेटा फायदा नहीं होता, मोटिवेशन, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता सकता हूं कि क्या करना है कैसे करना है ये बता सकता हूं, और तुम अगर प्रोसेस ओरिएंटेड बन गए, एग्जीक्यूशन मोड में आ गए, तो सॉल्यूशन तुम्हें अपने आप मिलेगा दोस्त, तुम्हें अपने आप मिलेगा, तुम्हें कोई डांटने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद करोगे देखना, ठीक है? तो मैं बिलीव करता हूं बेटा पनिशमेंट में नहीं, मोटिवेशन में भी बहुत ज्यादा नहीं करता सही बताऊं तो, मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन में करता हूं, अपना काम होना चाहिए एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मतलब उस चीज को कर्म करते जाना, जो हमें बोला जाए वो करते जाएंगे, ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचेंगे नहीं, अपने आप सारी चीजें सही होती जाएंगी देखना लाइफ में। हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा। सर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? रिलेशन, रिलेशन फंक्शंस है बेटा नेक्स्ट, रिलेशन थोड़ा 11वीं का पढ़ लेना अगर पढ़ रखा है तो, नहीं तो थोड़ा हम बेसिक से ही शुरू करेंगे, वैसे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ बट पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। We'll be right back.